हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम बनाएंगे ग्रीन चिकन, तो अब हम शुरू करते हैं। हमने आधा किलो चिकन लिया है। अब हम इसमें एक कप दही ऐड करेंगे। हमने 250 ग्राम दही लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम डालते हैं 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और डालेंगे 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। 1 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करिए। 2 पिंच हल्दी पाउडर डालते हैं। हमने यहाँ हरा धनिया, 7 से 8 हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना लिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और हम इसका पेस्ट रेडी करेंगे। पेस्ट रेडी करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ हरा मसाला पेस्ट ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करिए। अब हम इसमें 2 नींबू का रस ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम फ्राई की हुई प्याज लेंगे और 10 बादाम डालकर इसका पेस्ट रेडी करेंगे। तीन से चार इलायची ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट रेडी करेंगे। अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ पेस्ट ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। चलिए अब हम कढ़ाई में ऑयल को गरम करेंगे। हमने 1/2 कप ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गरम होने देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी और लौंग। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। आप इसमें पानी मत ऐड करिए क्योंकि इसमें मिक्स किया हुआ दही खुद पानी छोड़ेगा। अब हम हाई फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। अब हम इसकी लिड लगाते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। अब हम इसे चेक करते हैं, तो देखिए ये अच्छे से कुक हो रहा है। अब हम चिकन को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। चिकन अभी गला नहीं है। अब हम इसमें 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे और डालेंगे 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस। हमने लिड लगा दिया था, तो चलिए चिकन चेक करते हैं। तो देखिए चिकन अच्छे से गल गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, तो हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। तो देखिए अच्छे से पक चुका है और हमने इसकी अच्छे से प्लेटिंग कर ली है। ये बहुत डिलीशियस बनता है और ये ज़्यादातर हैदराबादी फंक्शंस में बनाया जाता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।